हाय जैसी, तुम यहाँ पे? हाँ, तुम्हारी सुजैन के साथ मीटिंग थी ना? हाँ वो तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, राइट? पहले अगर मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ तो मैं झूठ कहूँगा, पर मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। हाँ, झूठ बोलना छोड़ दिया? ओह, I like your sense of humor, Armaan. Well, मैं करिश्मा के ओनर को मिलने आई थी। What? तुम कह रहे थे ना कि अपने कॉम्पिटिटर को लेके तुम काफी परेशान रहते हो अरमान, खासकर कि एक कॉम्पिटिटर को लेके। तो मैंने सोचा कि मैं भी तो देख लूँ आखिर ये है कौन जिसने गुलमोहर को सोचने पर इतना मजबूर कर दिया, आखिर ये है कौन जिसने गुलमोहर की तो खुशबू ही छीन ली। वैसे अरमान, गुलमोहर को लेके मैं भी काफ़ी परेशान रहती हूँ, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने में दर्द तो काफ़ी होती होगी ना, और एक ऐसी चोट लगती है जो दिखाई भी नहीं देती अरमान। इसीलिए मैं करिश्मा के चेयरपर्सन से मिलना चाहती थी, उसे पूछना चाहती थी कि उसने गुलमोहर को अपना टारगेट क्यों बनाया हुआ है। और देखो ना मेरी किस्मत, आई कुड नॉट मीट देम, वो लोग सब जा चुके थे। खैर, तुम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए लेट हो रहे होगे अरमान, सुजैन टाइम की बहुत पक्की है। हाँ, ऑल द बेस्ट। लक और नो लक, मिस्टर अरमान सूरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुलमोहर की आखिरी उम्मीद आज खत्म हो जाएगी। सॉरी अरमान, यू लेट, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। मैंने जैसी को कहा था कि मैं अपने कंपटीटर्स को लेकर बहुत परेशान, लेकिन मैंने करिश्मा का नाम मेंशन नहीं किया था। फिर जैसी को कैसे पता चला कि मैं करिश्मा को लेकर परेशान हूँ? हाय मैम, अरमान सूरी। प्लीज सिट। ओके। यू आर ऑलरेडी 3 मिनट्स लेट एंड आई वुड लाइक यू फिनिश योर प्रेजेंटेशन क्विकली। राइट अवे मैम। एक्सक्यूज मी मिस सूरी, I think it'll be better if you narrate your presentation. Yes, ma'am. Ma'am, Gulmohar ka concept. Mr. Siri, please go ahead. Gulmohar ka concept is bar fashion ko masses tak pahuncha. You know, real India, real Indian सब पहचाना। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में मासेस की पॉपुलेशन क्लासेस से ज़्यादा है, और इसीलिए इस बार गुलमोहर ने मासेस के दिनों को चलाया। गुलमोहर का एक कॉन्सेप्ट डेडिकेटेड है उस इंसान को जिसने गुलमोहर को गुलमोहर बनाया। पर मैम, गुलमोहर फैशन के जरिए एक आम लड़की को, एक मिडिल क्लास लड़की को अपर क्लास तक ले जाना चाहता है। एंड दिस इज व्हाट आवर प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट। Знаешь, если ты ему скажешь, чтобы он ушел отсюда, это будет намного лучше, потому что мне как-то неудобно ему что говоришь. Мистер Сури, your presentation was very nice. Thank you so much. But the thing is, अभी कुछ देर पहले करिश्मा ने हमें यही कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। हाँ नंदू, मैं सुजैन से मिली और उसको मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा कि हमारा सपना सच हो जाएगा। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस तो अभी नहीं, बाद में कहना। एक्चुअली दो खुशखबरी हैं, एक सुजैन के कैबिन में हुई और एक सुजैन के कैबिन के बाहर। कैसी खुशी जैसी? अरमान मिला था मुझे कैबिन के बाहर। पर जैसी, क्या तुझे लगता है ये सही है? पता नहीं नंदू, मैंने सही किया या गलत, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि उस वक्त अरमान को नीचा दिखाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी गुलमोहर का अंत होने वाला नंदू, क्योंकि मैंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। तू है कहाँ? तेरे कैबिन में हूँ, बस काम खत्म करके निकल ही रहा हूँ। हाँ, तू जल्दी से आ जा, वैसे भी ये गोवा लिबर्टी रेवोल्यूशन फैशन वीक शुरू होने वाला है। फैसला तो हो ही चुका है नंदू, फैशन शो बस एक फॉर्मेलिटी है। तू आ जा। ओके ओके जैसी, आई एम जस्ट लीविंग नाउ, बाय। अरे काका, आप यहाँ? नंदू बेटा,
साहब ने रिक्वेस्ट की है कि ये बैग तुम गोवा ले जाओ, वहाँ पर राघो का बड़ा भाई है ना, वो तुमसे कलेक्ट कर लेगा। अरे इसमें रिक्वेस्ट कैसी, ये बैग मैं जरूर लेके जाऊंगा। Yes, mom. अरमान बेटे, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी रही? मैंने मौका खो दिया। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अब सिर्फ लिबर्टी रेवोल्यूशन इंडिया का फैशन शो बचा। पर ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है मां। गोवा में मेरे साथ सिर्फ एक अच्छी बात है, मैं यहाँ पे जस्सी से मिला। क्या जस्सी गोवा में है? हाँ मां, मैं उससे यहाँ पे दो बार मिला और जिस चीज का डर था वही चीज होने वाली है माँ। बेटे हिम्मत मत हारना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्सी का वहां होना एक बहुत ही अच्छा इत्तेफाक है। आज पहली बार तेरी माँ तुझसे कह रही है कि अगर जस्सी तेरे पास है, तेरे आसपास भी कहीं है, तो कुछ बुरा नहीं हो सकता बेटे। Because she's your lucky charm। तो क्या जस्सी गोवा में? वो वहां कैसे पहुंच गई? Bye mom। Excuse me. Yes. Hi. Hi. गुलमोहर की प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी? I mean, हमारे चांसेस कितने? Well, Mr. Suri, अगर फैशन शो में करिश्मा ने कोई करिश्मा दिखा दिया, then I don't think गुलमोहर has a chance. But anyways, all the best. Thank you. Thank you. करिश्मा की जीत होगी और अनाउंसमेंट होगा स्टेज पर, मिस्टर नंदन वर्मा द फेस ऑफ करिश्मा। पर आत्मा तो तू ही है ना? क्या फर्क पड़ता है बुद्धू, हम दोनों एक ही तो है। दोनों ने कितनी मेहनत की है करिश्मा के लिए। बस तो मुझे एक छोटी से छोटी बात बताते रहना, ओके? इस पल के लिए मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद हमारी जीत है नंदू, सबसे बड़ी जीत। ऐसे ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा देखना। कुछ गलत होना भी नहीं चाहिए नंदू, मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। शांताराम, हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि जिस बैग की हमें तलाश थी वो गोवा आ चुका है। Ladies and gentlemen, and welcome to the most awaited fashion show this season in Goa. समुंदर के इस शहर में फैशन की एक नई लहर आई है, एक नया रेवोल्यूशन आया है, और इस रेवोल्यूशन के स्पॉन्सर्स हैं the most popular footwear people in India, Liberty Foot Fashion, the official sponsors of the Liberty Revolution Fashion Week. और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, बारी है परफॉर्मेंसेस की, और आज के हमारे परफॉर्मर्स एट द लिबर्टी रेवोल्यूशन फैशन वीक आर गुलमोहर, सुपीरियर फैशंस, ओशन आउटफिट्स एंड करिश्मा। पर सबसे पहले बारी है गुलमोहर की। हेलो
ओ नदियों पार सजन दा ठाणा नदियों पार सजन दा ठाणा किते कॉलेज जरूरी जाना किते कॉलेज जरूरी जाना खरसियाने राद सिंध खरसियाने राद सिंध नदियों पार सजन दा ठाणा खरसियाने राद सिंध दिल ला लिया ते परवाह दे नाल दिल ला लिया ते परवाह दे नाल And now, ladies and gentlemen, Karishma. करिश्मा का रिस्पांस बहुत फैबुलस है सबसे अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है दैट्स ग्रेट नंदू ग्रेट एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू सुजैन ऑफ स्टाइल आइकन लेडीज एंड जेंटलमैन सुजैन इंडिया आई है खास मकसद से अपने बिजनेस को मर्ज करने के लिए एक खास फैशन हाउस के बिजनेस के साथ तो आइए इनसे अब पूछते हैं कि आज इन सभी फैशन हाउसेस में से इन्हें किस फैशन हाउस का काम सबसे ज्यादा पसंद आया सुजैन टेल अस एंड द हाउस ऑफ फैशन इज तो सुन रही है ना करिश्मा has made it करिश्मा has done it हाँ नंदू मैं सुन रही हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ करिश्मा के एमडी को कि वो जल्दी से स्टेज में आए प्लीज नंदू जा हमारा वक्त आ गया नंदू ये तेरा वक्त है तेरी जीत है जा नहीं जैसे ये तेरी जीत है दिस इज योर मोमेंट नहीं नंदू मेरा वक्त उस दिन आएगा मेरी जीत उस दिन होगी जिस दिन मैं अरमान को बता सकूंगी कि उसकी हार की वजह मैं हूं उसकी बर्बादी के पीछे मैं खड़ी हूं तू जा नंदू को Thank you. Very good. Thank you. Thank you. Mr. Armaan Suri. Excuse me. Congratulate nahi kahenge. Nandan Verma. नंदू मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं प्रोफेशनली मुझे नंदन वर्मा के नाम से जानते हैं मिस्टर अरमान सूरी मैं जानता हूं मुझसे क्या पूछना चाहते हैं लेकिन पूछेगा मत क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई कहानी तो शुरू हुई है बहुत जल्द सुजैन हमें फाइनेंस कर देगी उसके बाद हम इंडिया की तमाम बीमार और बेकार कंपनीज को ताला लगा देंगे
जिनकी परफॉर्मेंस जीरो है। एंड माइंड यू, गुलमोहर उनमें से एक है, गुलमोहर उनमें से एक है। बहुत जल्दी करिश्मा गुलमोहर को निकल जाएगी, गुलमोहर का नाम मिट जाएगा, लोग गुलमोहर को भूल जाएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह गुलमोहर उस बदसूरत लड़की को भूल गया जिसने गुलमोहर को खूबसूरत बनाया, जिस तरह आप उस लड़की को भूल गए जिसने आपसे सच्चा प्यार किया था। अरमान सर, बाय द वे, मैं करिश्मा का सिर्फ चेहरा हूं, आत्मा कोई और। करिश्मा की चेयरमैन आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। हेलो जैसी, कैसा चल रहा है तुम्हारा फैशन शो? बहुत अच्छा राघव, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सपना सच हो गया राघव, मेरा मकसद पूरा हो गया। जब मुझे पता चला था कि मेरा सपना सच हो गया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए थे राघव। I'm very happy today. Congratulations, Jassi. तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। Thanks, Raghav. Thanks a lot. मैं Hello? Hello. 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 Hello, Jassi. कट गया। Hello, Mr. Raghav Agarwal. आपकी जैसी तो अपने मकसद में कामयाब हो गई, अब आपकी बारी है। तुम कहती थी ना जैसी कि ये सारा नाटक करते करते तुम्हें मेरे परिवार के साथ लगाव हो गया है। मैं भी ये नाटक निभाते निभाते कब तुमसे प्यार करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। क्या करें, तुम हो ही ऐसी। मैं अरमान को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे जैसी की जरूरत सबसे ज्यादा तब महसूस होती है जब वो पूरी तरह से टूट जाता है। अरमान टूटता है तो सिर्फ जैसी के लिए, और जब भी टूटकर वो मेरे पास आया है सिर्फ जैसी की वजह से। और अगर जैसी को ये पता चल गया कि अरमान पूरी तरह से टूट गया तो वो दौड़ के उसके पास चली आएगी। मलिका, अब वो नहीं जाएगी अरमान के पास, क्योंकि राघव को छोड़कर वो जा ही नहीं सकती। जैसी अरमान के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, कुछ ऐसी ही मोहब्बत है उन दोनों की। वो दोनों जितना एक दूसरे को तोड़ते हैं उतना ही एक दूसरे के लिए टूटते भी, जितना ही एक दूसरे से दूर रहने की कसमें खाते हैं उतना ही पास आके कसमों को तोड़ देते। आज मैं हार गया, मेरा गुलमोहर हार गया, मेरी जैसी का गुलमोहर हार गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुलमोहर को बचाऊं तो कैसे। बस एक ही तरीका, मैं करिश्मा के ओनर से जाकर मिलूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि गुलमोहर मेरे लिए क्या है। गुलमोहर निशानी है मेरे प्यार की, उस प्यार की जो मैंने जैसी से किया। मैं उनसे भीख मांगूंगा कि वो मेरा गुलमोहर मुझे वापस लौटा, मेरा प्यार लौटा दे। उनके लिए तो सिर्फ पैसों की बात है, लेकिन यहाँ मेरी आत्मा दांव पर लगी हुई। आई होप वो लोग मेरी बात समझेंगे और पिघल जाएंगे। समझेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं समझेंगे, अगर उनके पास दिल है तो वो जरूर समझेंगे। मैं कुछ नहीं समझ सकती सिवाय इस बात के कि अरमान सिर्फ मेरा है। मेरे जीते जी अरमान जैसी का कभी नहीं हो सकता।